कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत को लेकर सरेआम एक ऐसा झूठ बोला था जिसके बाद खुद कनाडा ही उन पर टूट पड़ा था। जस्टिन ट्रूडो वो नेता हैं जो बिना सबूत के भारत को लगातार बदनाम कर रहे थे, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को गाली दे रहे थे, मगर उसके बाद जस्टिन ट्रूडो को एक बड़ा झटका लगा। जस्टिन ट्रूडो की ही पार्टी के इन सांसदों ने कनाडा को जस्टिन ट्रूडो मुक्त बनाने की बात कह दी, तो वहीं पर भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि भारत और कनाडा के रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब कनाडा में बैठे भारत विरोधी लोगों को लेकर कनाडा सरकार एक्शन लेगी। जिसके बाद कनाडा में भारत के उच्चायुक्त रहे संजय कुमार वर्मा ने ये कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने द्विपक्षीय राजनीतिक के संबंधों को बर्बाद कर दिया। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारतीय राजनायकों के खिलाफ ओटावा के आरोप राजनीति से प्रेरित है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से कनाडा की किरकिरी की है उसके बाद कनाडा भारत की किस तरह से अपने रिश्तों को सही कर पाता है।